राम राम सर, वर्ल्ड की खबर में आपको स्वागत है। पेश है आज के दिन की 5 प्रकार खबर। गुरका सिंह मुखनाराम की बाड़ी में संदिग्ध रूप से जंगल करते हुए पकड़ा गया। मुखनाराम के बयान के मुताबिक 5 बाजरी का बूटा मौका पर ही दम तोड़ दियो और 3 बाजरी का बूटा गंभीर रूप से घायल है। जगह को उपचार जारी है लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर आई है अगुना खेता सुन, जड़ 2 बूटा गया माई आपसी झड़प हुई बतावा है। झड़प को मुख्य कारण है मोरिया की पाखिया को बंटवारो। मगर चैनल के सूत्रों की खबर मिली है कि मोरिया की पाखिया को बाकी बंटवारो तो ठीक हो गयो, लेकिन एक लिमचढ़ हिजे का गावा फटवा दिया। लिमचढ़ हिजे की 2 खेता की सीम के बीच में पाई गई। चैनल पाखिया एक्सपर्ट शिव सा और वेबसा से संपर्क करो तो वे बतायो कि लिमचढ़ ने लेर अति तनातनी होनी बहुत निंदनीय है, क्योंकि लिमचढ़ का तो दाम मिलता को नहीं। दताऊ गांव में ताश को खेल गधा पीस में एक बार फिर भैरव सिंह ठेकेदार और उनका पार्टनर ने बाजी मार ली है। भैरव सिंह के अनुसार वो खेल ओलंपिक में शामिल होना चाहिए और गांव में खुशी की लहर बनी हुई है। मार्शल गैंग के पूर्व अध्यक्ष राणा रतन सिंह ने भी इसके ऊपर खुशी जाहिर की है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा के वरिष्ठ नेता सोनू मारमल ने सीएम के आगामी दताऊ दौरे को लेकर आज सारण खड्डी गुआड़ का ताबड़तोड़ दौरा किया। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता पहलवान देवराज सिंह ने इस दौरे का विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता आने वाले सभी भाजपा नेताओं का काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। साथ ही साथ आज ये खबर भी सुर्खियों में रही कि दताऊ मूल के निवासी उद्योगपति श्री अशोक शर्मा जो कि सूरत में रहते हैं, उन्होंने देवराज सिंह जी पार्टी फंड में 6 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि हमारा चैनल अभी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। गांव दत्ताओं के बीचों बीच बने आंगनबाड़ी केंद्र में आज 2 युवक पीटा पीते हुए गिरफ्तार। पुलिस ने मुकाय वारदात से 1 बेड़िया का बंडल, 7 रुपए का चखना और 2 साफ्ते खाते बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों की पहचान गुप्त रखी गई है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि पीटा क्या है। हम आपको बताएंगे पीटा की उपज कहाँ से हुई थी, ये शब्द कहाँ से आया था और इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुआर की खबर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे पिंटा की। पिंटा क्या है, पिंटा की उपज कहाँ से हुई, पिंटा को पिंटा नाम कहाँ से मिला। हमारे चैनल की रिसर्च के अनुसार एक जमाना था जब थैली, देसी मदिरा और ढोला मारो बहुत फेमस थे, काफी फेमस थे, लेकिन पिंटा इन्हीं का एक रिश्तेदार है जिसकी उपज दताऊ निवासी बना मेपसा ने की है। और हमारे चैनल के संवाददाता ने मेपसा से संपर्क साधने की कोशिश की जो कि अभी गोवा में रहते हैं। मेपसा ने बताया कि वो पिंटा को बहुत मिस करते हैं और पिंटा भी उन्हें बहुत याद करता है। अब रुक करते हैं खेल जगत का। एक समय था जब गांव दत्ताऊ में वॉलीबॉल का खेल अपने चरम पे था, जहां 3-3 टीमें बनती थी और कई लोगों का खेलने का नंबर भी नहीं आता था, जिसमें धुरंधर खिलाड़ी थे राम कुमार रामबाण, रूपाराम टोटा मास्टर, अशोक शर्मा कप्तान, सुखदेव शर्मा नेटर, देवराज सिंह जी साइड सेंटर, बजरंग सिंह जी फाइट मास्टर इत्यादि। उन सभी खिलाड़ियों ने इस खेल की हालत पे दुख जताया है। उन्होंने चैनल से कहा है आजकल के युवाओं को खेल पे ध्यान देना चाहिए, जबकि आजकल के युवा है जो मोबाइल पे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इस खबर के लिए हमारे संवाददाता ने अशोक शर्मा से बात की, जिन्होंने बताया कि सभी खिलाड़ियों को वॉलीबॉल के लिए वो एक अच्छा फंड देने के लिए भी तैयार हैं। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर से जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। दत्ताऊ निवासी जाबाद पूजी प्रेम सिंह ने जिस तरह से गुआर की फली और काजरा के स्वाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो जज्बा दिखाया है, हमारा चैनल उनको सलाम करता है। आइए दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। काचरो की आंखो लागियो चुप लागियो सही में ओके। आइए अब बात करते हैं उन 2 बड़े नेताओं की जो राजस्थान के 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उनमें से एक है सोनू सिंह मारवल और एक है पहलवान देवराज सिंह। पहले हम बात करते हैं सोनू सिंह मारवल की। ये दताऊ के रहने वाले हैं और इनके मकराने में मारवल की बहुत सारी खाने हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और हमारे गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि इस बार सोनू सिंह मारवल लाडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी से अपनी उम्मीदवारी ठोक सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें फाफों में महारत हासिल है, यानी कि ये फाफे बहुत ठोकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जो 2 लोग आंगनबाड़ी में पिंटा पीते हुए गिरफ्तार हुए थे वो इन्हीं की पार्टी के थे। आइए अब बात करते हैं दूसरे बड़े नेता देवराज सिंह जी की।
जो कि कांग्रेस पार्टी से डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं वो दत्ताओं के आठवां आवास से आते हैं जिन्होंने सावराज से पीएचडी की डिग्री उत्तीर्ण की थी। ये तब सुर्खियों में आए थे जब इन्होंने 300 मण भाटे से भरी हुई ट्रॉली के ट्रैक्टर को गांव के गुवार से मात्र 2 टायरों पे निकाल दिया था। तो आज की गुवार की खबर में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक बड़ी चर्चा के साथ। तब तक नमस्कार।